लेकिन माँ बाप से भी कहता हूँ, औलाद को इम्तिहान में ना डालो, उन पर ऐसी सख्ती मत करो कि वो बागी हो जाएं, उनकी जायज़ ख्वाहिशात पे टोके मत चलाओ कि वो बागी हो जाएं, उनको जलील कभी ताने कभी टोक कभी तनकीद कभी एतराज़ कभी थप्पड़ कभी बेइज्जत, ये चीज़ें तुम्हारी औलाद को बागी बनाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, औलाद को इज्जत दो, अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो। जनाब अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अकरमु औलादकुम लिअन्नहुम खुलिकू लिगैर ज़मानिकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो, ये तुम्हारे आने वाले ज़माने में तुम्हारी यादों को जिंदा रखने वाले हैं, इन्हें इज्जत दो। मेरे नबी कैसे इज्जत देते थे? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपके जिगर का टुकड़ा, आपकी आंखों की ठंडक, हसन हुसैन मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जन्नत के फूल, जन्नत के सरदार, मेरे हसन हुसैन, जिनके लिए घुटने और बाजू टेक कर कमर पे बिठा के कमर में चक्कर लगा।